वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरता विजयपुर जिला चरचान तालुका का सिरनार एक छोटे से गांव में श्रीधर वाघ मोरे का मर्डर हो गया। ताकि इसका मर्डर किसने किया आप ये भी बताते हैं। सुरेश शिवशर ने इनका मर्डर किया ताकि इस सीधा गांव के बाहर तलवार से मारकर इसकी हत्या की और ये चरचान पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज हो गया। अब इनके दोनों के बीच में कई सालों से ये मामला था ताकि सुरेश के पत्नी के साथ इसकी नाजायज संबंध थे। अब इस संबंध में कई दिनों से सुरेश शिवशर ने एक प्लान बनाया था ताकि जब ये रंगे हाथ मिलेगा उसी वक्त इसका खून करने की अपने सोच रखी थी। मगर इसने श्रीधर वाघ मोरे यहाँ पर शहर के गांव के आसपास सिर्फ यही सोचने लग गया ताकि यहाँ पर जब मिलेगा तब इसको खून कर डालेगा। तब यही सोचकर श्रीधर का यहीं पर गांव के आसपास जब ढूंढा नहीं मिल पाया, जब इन्होंने गांव के पास ही मिल जाने के बाद तलवार से बेरहमी से मारकर श्रीधर वाघ मोरे का खून कर दिया। अब तो बात यह रह गई दोनों के बीच में तो ना जाने एक बीबी के लिए ना जाने किस संबंध था जो इसने खून कर दिया। अब यहाँ पर अगर बीबी अगर ठीक होती तो ये आज दोनों के बीच में खून खराबा बिल्कुल ही ना होता। तो अब ऐसा हो गया है जब पति घर के बाहर चला जाता तो अजनबी पति आकर उसको पति का दर्जा देते हैं। तब इसी तरह ऐसे बहुत सारे जो नाजायज जो संबंध रखते हैं ऐसे बहुत सारे खून खराबे इस शहर के आसपास होते तो रहते हैं। मगर सबसे पहले ये समझना चाहिए जिस घर में औरत अपने पति की रक्षा होती है अपने पति की शान होती है मगर इस घर की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा एक ईमान होता है वो है सबसे बड़ा धर्म औरत के पास होता है। जिस घर का संसार लेके चलना सारी चाबियां उस औरत के पास ही होती है मगर आजकल कुछ औरतें दूसरे दूसरों के साथ नाजायज हरकतें करते हैं तो कुछ लोग ना समझ में यही हाल होता है जो आखिरी में यही कुत्ते की मौत मारा जाते हैं। उसी तरह आखिर इन दोनों में आखिर सुरेश शिवशर को कैसे पता चल गया ताकि इस औरत के साथ इसकी नाजायज हरकतें इसकी नाजायज संबंध कैसे हो गए और किस तरह से चलने लग गए ये तो पुलिस के सामने तो तहकीकत में तो बताते तो है। मगर सबसे पहले जिस घर के औरत होती है उसे हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ये दर्जा दिया गया है ताकि उस घर की लक्ष्मी होती है। अब यहाँ पर लक्ष्मी की वजह ऐसे इतने मानो हक होते हैं ताकि अपने बीबी बच्चे ताकि इन्हीं के डायरेक्शन पर घर का संसार इस तरह चलता है ताकि कोई भी मुसीबत आ गए अगर बीबी एक बार कह गई तो सारे मुसीबत शोहर के पत्नी के हट जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है मगर दिल और दिमाग में एक और है मगर जुबान पर किसी और का नाम है। मगर ये बीबी इस तरह हो गई है ताकि किस पर यकीन रखे और किस पर ना रखे। अब इस पर ऐसा हो जाता है तो खून खराबा होने के बाद आखिर पुलिस की तहकीकत में ना जाने ऐसे कहीं किस्से हो गए हैं मतलब आज हम वो भी कह देते हैं ताकि प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हो जाते हैं मगर कब कब मिल जाने के बाद ऐसे मौतें भी आराम से हो जाते हैं। क्योंकि किसी की पत्नियों का पर भी देखने से पहले भी ये सोचा करना चाहिए ताकि ये एक धीमा तीर है ताकि यहाँ पर खून खराबा बिल्कुल ही मामूली है। क्योंकि यहाँ पर कब किसकी मौत गोली पर लिखी है या तलवार पर लिखा है या पत्थर पर लिखा हुआ है बिल्कुल ही पता नहीं चलता। मगर यहाँ पर ऐसे ना जाने कहीं केसेस हो गए हैं नाजायज संबंध के। अब उसी तरह श्रीधर वाघ मोरे ना जाने इससे इनकी बीबी के साथ ना जाने कई सालों से संबंध थे और इस संबंध के शक पर ही आज सुरेश शिवशर ने एक ग्रीप प्लान किया तो शहर के बाहर मिल जाने के बाद तलवार से मारकर इसका खून कर दिया। अब ये तो चर्चा पुलिस थाने पर तो केस दर्ज हो चुका है मगर तहकीकत क्या सच है और क्या झूठ है अब इसकी बीवी ही बता सकती है और
शायद इसके पति ने क्या हो गया है ये भी पता चलना चाहिए था, ताकि मारने के वजह ये तो ऐसा हो गया है। बिल्ली आंख मूंछ कर दूध पीती है तो समझती है बिल्ली, मगर कोई नहीं देख पा रहे हैं। मगर प्यार मोहब्बत करने वालों को जितने भी अंधेरे में हो या किसी गार्डन में हो, किसी शहर में हो, किसी होटल में हो, एक ना एक दिन कि सबको पता ही चलता है। जैसे ऐसे नहा समझ जाए, ताकि बिल्ली दूध पीती है तो आंख मूंछ कर कोई नहीं देख पा रहे, सारे लोगों को खबर रहती है ताकि बिल्ली दूध पीती है। अब उसी तरह कुछ लोग ना समझ लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर ना जाने छोटी उम्र में ऐसे हरकतें हो जाते हैं, तो खून खराबा मर्डर ये तो होते ही रहता है। मगर उसी तरह ये नाजायज संबंध पर एक खून खराबा हो गया है, देखेंगे एक रिपोर्ट में। देवर उपद्रव